आज करवा चौथ के पावन पर्व के अवसर पर अपने प्रदेश की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और ये अनादिकाल से पर्व भारतीय नारी बड़े धूमधाम के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमने जो आज करवा चौथ का व्रत हमने मनाया है, अपने परिवार को सुखी संपन्न और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को आज सकुशल संपन्न किया है। और भगवान से यही प्रार्थना की है, भगवान जैसे हमारे पति की आयु लंबी हो, मेरी सभी बहनों का ऐसे ही सुहाग बना रहे। बाकी प्रदेश के लिए भी तमाम बहनों ने तमाम बहनों का भगवान ईश्वर उनका सुहाग बना रहे, वो सुखी रहें, संपन्न रहें और इसी तरीके से हर साल करवा चौथ खुशी खुशी मनाती है। भाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए करवा मैया की। करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी, व्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब स्नान नदी में कर रहा था, एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने, तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया, तो सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यह अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी पर स्नान कर रहा था, इसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, आप इसे मारकर मेरे पति को बचाएं। हमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, इसकी आधी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है,